हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। दिस इज नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान व्लॉग्स। आज का ये जो व्लॉग है ना, वो काफी अलग हटके होने वाला है। और आज के इस व्लॉग में जो है, हम जाने वाले हैं एक आइलैंड है जो कुवैत कंट्री का सबसे छोटा, जो गारो आइलैंड है। तो हम लोग आज टोटल दो आइलैंड जाने वाले हैं, एक गारो आइलैंड, एक दूसरा है उम्मुल मरादम। हम दो लोग जाएंगे और वहां से अभी हम लोग को खैरान जाना पड़ेगा। पहले खैरान यहां से 100 किलोमीटर है, तो अभी हम लोग यहां से गाड़ी में जाएंगे और फिर वहां से मरीन बोट क्लब है, खैरान बोट क्लब, तो वहां से फिर हम लोग बोट करेंगे और बोट करके फिर गारो आइलैंड जाएंगे, जो समंदर के 50-60 किलोमीटर बोट से हम लोग को जाना पड़ता है। करीब एक घंटा हम लोग जो है सफर करने वाले हैं समंदर के अंदर, समंदर में, उसके बाद हम लोग वो आइलैंड पर पहुंचेंगे। और तो आज का व्लॉग जो है बिल्कुल अलग और काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और धीरज भाई, तुम क्या कहना चाहोगे? आज जो है हम लोग जा रहे हैं गारो आइलैंड, तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है? हाँ, तो हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में और फिर हम चलते हैं। और आज हम आपको सैर कराते हैं कुवैत के 9 आइलैंड में से सबसे छोटा आइलैंड, जो काफी दूर है। चलिए चलते हैं फिर। क्लब के पास जहाँ से हमें बोट करना है, तो आ चुके हम लोग समंदर के किनारे। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा सब सामान हमने रख लिया, गैस वगैरह, और अभी रेडी है चलने को। तो आज कंपनी ने दो दो कैप्टन एक साथ दे दिए। एक तो है अपने रोड वाले कैप्टन जो गाड़ी से लेकर आए हैं, और एक है अपने बोट वाले कैप्टन। तो एक रोड वाले और एक बोट वाले। और धीरज भाई एकदम फुल डरे हुए बैठे हैं पानी से। तो हम गारो आइलैंड यानी उस टापू पर जो है एक मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर टावर है, और उसके सिवा कोई आदमी या कुछ भी नहीं है। वो समंदर के बीचों बीच में एकदम 50-60 किलोमीटर है उसका डिस्टेंस, और करीब एक घंटे लग जाएंगे। तो वहीं पर ये बोट भी रुकने वाली है, और उसके बाद हम लोगों का काम फिनिश हो जाएगा, फिर इसी बोट से हम लोग फिर वापस आने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोगों ने सारा सामान वगैरह रख लिया है, और सारे बैग में सामान वगैरह रख लिए, और हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार समुंदर का नज़ारा काफ़ी शानदार है। कुछ ज़्यादा ही हवा है यहाँ पर, तो जो शिप है ना वो ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा ही हो रही है। आगे आपको दिखाता हूँ, यहाँ लहरें जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लहरें हैं यहाँ पर, और ये बोट ऊपर नीचे जा रही है, तो काफ़ी डर लग रहा है। अभी ज़्यादा हो गई लहर, ज़्यादा है। अभी देख सकते हैं कैप्टन साहब भी बता रहे हैं कि इधर भी देख सकते हैं, बिल्कुल स्पीड भी बहुत स्लो हो गई है बोट की, और हम लोग बहुत स्लो स्लो जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा स्पीड में नहीं जा सकते। एक बार लहर देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लहर है यहाँ पर। तो अभी कैप्टन साहब को कुछ कंट्रोल रूम से इंस्ट्रक्शन मिला है कि लहरें कुछ ज़्यादा हो गई हैं, तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि फिर हम लोग आगे जाने वाले हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं बोट काफ़ी ऊपर नीचे हो रही है। यहाँ से कैप्टन साहब जो है इसको रिटर्न ले रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल जहाज ऊपर नीचे हो रही है। अभी आपको कैप्टन साहब से मिलाता हूँ और वो बताएंगे क्योंकि उन्होंने क्यों इस बोट को मोड़ा, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा डेंजर यहाँ पर ऐसा लग रहा है हम लोग को।
तो अभी तो वो चलाने में बिजी हैं थोड़ा, और हम लोग जा रहे हैं दूसरे साइड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार नज़ारा आपको आगे का दिखाता हूँ, काफ़ी लहर है। क्या बात है भाई साहब, ज़्यादा डर लग रहा है, कल से नहीं आएगा, कल तो नहीं आगे। तो हम लोग तो यार पूरा फुल प्लान बना के आए थे कि जो है चलो जाके आएंगे, लेकिन अभी तो कैंसिल करना पड़ रहा है। बता रहे हैं कि जो है मौज, जो है मौज बोलते हैं इसका, लहर को ना, वेव, तो वेव बहुत ज़्यादा हो रखी है आज, तो इसके लिए हम लोग रिटर्न आ गए, क्योंकि बोट आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो इसलिए हम लोग रिटर्न आ गए। और फिर अभी हम लोग दूसरे दिन जो है, फिर अगर जिस दिन लहर कम रहेगी फिर जाएंगे उस दिन। चलो बोट लग जाने दो पहले। डायरेक्शन पता चलता है, स्टीयरिंग रहती है, ये जीपीएस है, ये जीपीएस रहता है। और ये राइट साइड में आपको क्या है, ये राइट साइड में जो हैंडल ऊपर नीचे करते हैं, गियर है, एक्सीलेटर है, गियर एक्सीलेटर आप देख सकते हैं फुल्ली जो है इधर से, कैसे तीन इंजन का है, इधर ये क्या गियर है, ये गियर है, तीन इंजन का है टोटल ये बोट है। तो अभी बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, क्योंकि हम लोग का पोपट हो चुका है अभी ऑलरेडी। अब किसी दिन फिर आपको दिखाएंगे आइलैंड, क्योंकि आज तो कैंसिल हो गया भाई साहब। बोट हमारी लग चुकी है साइड पे, और कैप्टन साहब इसको बांधने के लिए जा रहे हैं, फिर हम सारा सामान अपना जो है रिटर्न इसमें से उठाएंगे। चलो भाई, चलो भाई उठाओ अपना सारा सामान वगैरह। साइड में खड़ी हो चुकी है, सब लेकर चलेंगे सामान पूरा। तो अभी हमारी गाड़ी उधर खड़ी है और सामान लेकर जाते हैं हम धीरे धीरे। वो जा रही है बोट, यहाँ का मौसम काफी अच्छा है। हेलो एवरीवन, हमारा तो पोपट हो गया। यार देखो, अभी हम जो है, अभी बोट कैप्टन साहब जो है लेकर चले गए और हम लोग को यहीं छोड़ गए। हमारी गाड़ी देखिए, हम लोग पार्किंग इधर करके गए थे, फिर अभी जो है हम रिटर्न आ चुके हैं। और धीरज भाई, तुमको कैसा लगा पोपट बनकर? भाई साहब, हवा कम होगा तो जाएंगे, नहीं तो मत नहीं जाना। हाँ, तो काफ़ी डेंजर था, और वो बता रहे थे कि जो है 6 फीट का वेव था, तो इसके लिए अगर 2-3 फीट वेव होती है लहर तो हम जा सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा लहर होती है तो फिर काफ़ी डेंजर, रिस्क माना जाता है। तो इसके लिए फिर हम लोग रिटर्न आ गए, बस यही रीज़न था। तो आज हम लोग का पूरा फुल्ली कैंसिल हो चुका है, और आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे ये खैरान सिटी है, और मरीन बोट भी इधर इस साइड में है कुछ। तो मरीन बोट क्या बोलते हैं, बोट क्लब जो बोलते हैं, जहाँ से आप सभी जगह जा सकते हैं यहाँ से सारे आइलैंड पर। तो यही कुछ था, और ये पूरा खैरान सिटी है, जहाँ पर आपको एक व्लॉग इसका भी आने वाला है कि कैसे कुवैती जो है, यहाँ पर अरबी लोग अपने सामान, मतलब अपने घर के पीछे से उन्होंने समंदर निकाल रखे हैं। तो यही था, और हम अभी चलते हैं। यार मज़ा नहीं आया, लेकिन मैं आज फुल मूड में था व्लॉग बनाने का, लेकिन अभी तो सब कैंसिल हो चुका है, और हम गाड़ी में थोड़ा सामान और बचा है तो रखते हैं। ये सामान है कुछ, तो हम फिर चलते हैं अंदर।
हेलो का। चलो भाई किधर चलना है अभी, तुम्हारी नजर लग गई। मेरी नजर किधर लग गई भाई साहब? तुम्हारी नजर लग गई, बोलते नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, धक्का कर रहे थे धक्का कर रहे वही बहुत है।